प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कहानी खेल की। एक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। परिवार में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। प्यारा सा बच्चा आ गया और खूब खेलने में मन लगाने लगता है। वो तालाब के पास जाता है और नदी के पास जाता है और बोलता है, मैं नदी की धार को परास्त कर दूंगा और उसमें खेलने लगता है। ठीक है, खेलने का मतलब तैरने लगता है और पूरा दिन खेलने यानी कि तैरने में ही लगा देता है। एक बार उसके पिताजी बोले, बेटा मेरे घर की हालत कितनी बुरी है और तू खेल में पूरा समय नष्ट कर देता है। कुछ पढ़ लिया करो, हो सकता है नौकरी लग जाए और घर की माली हालत सुधर जाए। प्यारे बच्चों, उस बच्चे ने अपने पापा की बात मानी और पढ़ाई में मन लगाने लगता है कि चलो पढ़ेंगे और मेहनत करके मम्मी पापा के आशीर्वाद से उस बच्चे का नाम उस बच्चे ने इतनी मेहनत की कि उसका ही नौकरी लग गई सूबेदार पद पे फौज में। अब गोलियां चलाने लगा। लेकिन बच्चों, एक समय एक युद्ध में उसके इतनी गोली लगी और पांव के नीचे बेचारा वो पैरालाइज हो गया। कैसे सपना पूरा होगा उस बच्चे का, कैसे अपना वो धार तैरने वाली जो कसम खाई थी जीतने कैसे पूरी होगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की, दृढ़ संकल्प किया और इतनी मेहनत की धीरे धीरे उसका पैर पैरालाइज नीचे हो गया, लेकिन पैर के ऊपर कमर के ऊपर का हिस्सा ठीक हो गया उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने। लेकिन वो धार के साथ अब भी खेलने जाता था और अंत में हुआ ये पैरा ओलंपिक 1972 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। बच्चों, उसका नाम जानना चाहते हो क्या है? मुरलीकांत। और जैसे मुरलीकांत को मेडल मिला, गोल्ड मिला, गांव वाले बोले, अरे बोले भैया मुरलीकांत कितना अच्छा, फलाने का बच्चा कितना अच्छा, मैं भी अपने बेटे को खूब अच्छी बातें सिखाऊंगा ताकि मुरलीकांत की तरह मेरा बेटा भी खूब आगे जाए। जैसे मुरलीकांत का खेल से नाम हुआ, खेल तैराकी का 50 मीटर में स्वर्ण पदक, वो भी 37.33 सेकंड में पार किया। चारों तरफ चर्चाएं, मुरलीकांत खेल से नाम जानने लगा। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोग भी किसी न किसी खेल के माध्यम से अपना नाम अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा लगन मेहनत से हम आगे बढ़ सकते हैं।